पहले भी ये नाग इसी शिवलिंग पर दिखाई दिया था। लगता है कोई शिव भक्त अथवा शिवगण है। हे शिव शंकर, अब पद्मजा और मेरी रक्षा का दायित्व तो आप पर है। अनुभव के आधार पर मैं कहीं साकार तो कहीं निराकार, मैं ओंकार। किंतु मणिभद्रा इस घटनाक्रम का श्रेय माता पार्वती को देती है। सीमंतनी माता पार्वती के साथ साथ भोलेनाथ की भी कृतज्ञ होती है। उधर कैलाश पर भोलेनाथ देवर्षि नारद का परिचय दो नवीन शिव भक्तों से करवाते हुए उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। पूर्व जन्म में राजकुमार विष्णुध्वज राजकुमारी पद्मजा के चित्र को देखकर आकर्षित हो जाता है और उसके दर्शन करने का हठ करता है। कोली कोयलिया, ओहो तो पहुंच गए मेरे प्रियतम, मुझे बुला रहे हैं, जाना तो अवश्य पड़ेगा। चलो उद्यान से फूल चुन लाती हूँ। सुश्वेत, तुम तो दिन प्रतिदिन रहस्यमय होते जा रहे हो। और केवल रहस्यमय ही क्यों, मुझे तो लगता है रसिक भी हो गए हो। तुम यदि बार बार मित्रता की दुहाई दोगे तो मुझे भविष्य में न जाने कौन कौन से रूप धारण करने होंगे। विष्णुवज, मैं अपने प्राणों पर कोई भी आघात सह सकता हूँ, परंतु मित्रता पर नहीं। वो तो मैं समझ ही रहा हूँ। अब ये बताओ, राजकुमारी पद्मजा के दर्शन कब? धैर्य रखो, वहां तक पहुंचने में अब अधिक समय नहीं है। कनेरी, किस अपरिचित को साथ लाए हो आज तुम? परिचय करा दूंगा, ये कोई अपरिचित नहीं है, हमारे मित्र हैं, राजकुमार वृषध्वज। पर यहाँ क्यों आए हैं? राजकुमारी पद्मजा के दर्शन करने। क्या? हाँ, मैंने राजकुमारी का जो चित्र बनाया था उसे देखकर हमारे राजकुमार उस पर मोहित हो गए और वे ऐसा मानते हैं कि राजकुमारी पद्मजा से उनका जन्म जन्मांतर का संबंध है। ऐसा? हाँ, और अब निश्चय भी कर लिया है कि राजकुमारी पद्मजा को अपनी पत्नी बनाना है। किंतु वो भविष्यवाणी? तुम उसकी चिंता ना करो, बस इतना करो राजकुमार को राजकुमारी पद्मजा के दर्शन करा दो। चलो जी। प्रणाम जी। मैं वो इनके आपके
आपके मित्र। मैं समझ गया और तुम भी समझ लो, जिस प्रकार मेरा मित्र सुश्वेत मेरी मनोकामना पूर्ति के लिए मेरा सहयोग कर रहा है, उसी प्रकार। मैं समझ गई राजकुमार जी। क्षमा और किस अपराध के लिए? आपकी आज्ञा के बिना आपकी सेवा के लिए मैं दो दासियां लाई हूं। दासियां? कौन? जन के साथी हैं। मैंने जब से सुश्वेत का बनाया हुआ तुम्हारा चित्र देखा है तो तुम्हारे सौंदर्य और रूप को देखकर मेरी आत्मा छटपटा उठी। मैं तब से तुमसे मिलने के लिए छटपटा रहा हूं। मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा जन जन का साथी वृषध्वज हूं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है तुम्हें देखकर कि हम जन जन्मांतरों से साथ रहते आए हैं। राजकुमारी पंजा को उसके पिता के अतिरिक्त जो भी पुरुष देखेगा एक वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाएगी। क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है जो पुरुष मुझे देखेगा वो? हाँ, मुझे पता है, फिर भी मैं यहाँ आया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान शिव की आराधना से तुम्हारा अभिशाप मिट जाएगा। इस शिवलिंग को धारण करने से तुम्हारा हृदय शिव भक्तिमय हो जाएगा और समस्त अनिष्ट दूर हो जाएंगे। किसी के भागने की पद्धति सुनी आपने? अर्थात आपको किसी ने यहां देख लिया है। आप तुरंत यहां से चले जाएं, अन्यथा आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। नहीं, मैं कायरों की भांति अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यहां से भागूंगा नहीं। मुझे किसी का भय नहीं है, भगवान शिव मेरे रक्षक हैं। अनावश्यक निर्भयता प्रकट करने से क्या लाभ? हित अहित का विचार करके आपको यहां से शीघ्र चले जाना चाहिए। अभी मैं पूर्ण रूप से यहां आया ही कहां हूं जो चला जाऊं। यहां आकर न अपने मन की कह पाया हूं, न तुम्हारे मन की सुन पाया हूं, तो फिर यहां आकर क्या किया है मैंने?
बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे यहां से चला जाऊं? मुझे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इस समय क्या अच्छा लगेगा इस पर विचार नहीं करना है। इस समय सुरक्षा के विषय में विचार करना आवश्यक है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप कृपा कर यहाँ से चले जाएं। यदि मेरे पिता महाराज पद्मनाभ को पता चल गया तो वो हम दोनों के प्राण ले लेंगे। तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, किंतु तुम्हें वचन देना कि फिर तुम शीघ्र ही मिलोगी। परिस्थितियों का अवरोध कितना कठोर है, उसके प्राण भी आप मिलना चाहते हैं। भगवान शिव की कृपा परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली है, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। हम मिलेंगे और शीघ्र मिलेंगे। किसने किया इतना साहस, उसे इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। वो इस महल से जीवित वापस नहीं जा सकेगा। पिताजी, पिताजी उस शिव भक्त ने मुझे अभिशाप से मुक्त करने के लिए वो माला दी थी और आपने उसे फेंक दिया। पिताजी, आपने भगवान शिव का अपमान किया है, इसका परिणाम अनिष्टकारी होगा। निर्लज्ज अपने पिता के लिए अनिष्ट और अशुभ की बातें करती है। हमारी इच्छा के विरुद्ध एक पर पुरुष को यहाँ बुलाकर तुमने हमारी राज व्यवस्था को चुनौती दी है। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। महाराज, महाराज, हमने चारों ओर ढूंढा किंतु उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज, हमने महल उद्यान का कोना कोना ढूंढ लिया। लगता है वो इस महल से निकल भागा है। तुम सब जाओ और उसका पीछा करो, उसे पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करो। जाओ, राजकुमारी का अभिशाप हम सत्य सिद्ध करेंगे। उसे देखने वाला कोई पुरुष जीवित नहीं रहेगा। सेनापति प्रसेनजीत अपने घुड़सवारों के साथ हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें अपना मार्ग बदलकर सरोवर की ओर चला। चलो। चलो। शिवलिंग पर दिखाई दिया। लगता है कोई शिव भक्त अथवा शिवगण है। हे शिव शंकर, अब पद्मजा और मेरी रक्षा का दायित्व आप पर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कृपा से हमारा पुनर्मिलन होगा और हमारा जन्म जन्मांतर का साथ बना रहेगा।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा ओम। प्रभु, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर मैं स्वयं चकित हूं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मैं ही था। कणप, तुमने भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिवधाम प्राप्त किया है। इस कृपा का संकेत तुम्हें पिछले जन्म में ही मिल गया था। भक्तवत्सल भगवान भोलेनाथ अब राजकुमार वृषध्वज और राजकुमारी पद्मजा की कथा ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से आगे घटित हुई घटनाओं को जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। अब आप कृपा कर हमें ये बताएं कि उन दोनों का शीघ्र मिलन हुआ अथवा नहीं। धैर्य धारण करो ना, तुम्हें पूरी कथा सुनने का अवसर मिलेगा। अब आगे की कथा इस प्रकार है। माँ, आ पुत्रा, तुझे देखकर तो जैसे मुझे नया जीवन मिला, अन्यथा मेरा हृदय तो चिंता के सागर में डूब रहा है। तुझे देखकर मेरे शरीर में नवीन प्राण आ गए। माँ, जो तुम उस अभिशापित राजकुमारी पद्मजा से नहीं मिल पाए। मैं उससे ही मिलकर आ रहा हूँ माँ। क्या? हाँ माँ, मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ और भगवान शिव की कृपा से मैं उससे पुनः मिलूंगा। पुनः मिलेगा? उस अभिशापित से पुनः मिलेगा? शिव आराधना से वो अभिशाप मुक्त हो जाएगी माँ। शिव आराधना से ही मुक्त होना था तो वो अभिशापित होते ही क्यों? तुमने उससे मिलकर अच्छा नहीं किया पुत्र। अपना जीवन और साथ में अपने माता पिता का जीवन संकट में डाल दिया है। तुम उससे मिलकर आए हो पर भविष्य में उससे मिलने की भूल न करना। होनी को कौन डाल सकता है माँ? माँ से होनी और अनहोनी की बात करता है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि सुश्वेत के बनाए गए चित्र को यदि मैं ना देखता तो राजकुमारी के प्रति मेरे मन में भाव क्यों जागते? ये सत्य भी मेरे मन में क्यों प्रवेश करता कि हम जन जन्मांतर के साथी हैं? तुम इस सत्य को भी समझ लो माँ कि अधिक समय तक मैं उससे दूर नहीं रह सकता। और यदि तुमने मुझे उससे मिलने से रोका तो मैं निष्प्राण हो जाऊंगा माँ। इसके दर्शन कब कराओगे? अब दर्शन का हठ ना करो तो उचित होगा। तुम मेरे हठ करने पर आपत्ति ना करो तो अधिक उचित होगा। मेरी आपत्ति के पीछे छिपे सत्य को तुम समझ नहीं रहे हो राजकुमार। बहुत हो गया मित्र सुश्वेत, बहुत हो गया। ये नीचे और पीछे कौन से सत्य छिपे हुए हैं प्रकट कर दो तो शांति हो जाएगी। अब तुम नहीं मानते तो सुनो, राजकुमारी पद्मजा के जन्म के समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि पिता के अतिरिक्त जो भी पुरुष उसे देखेगा उसकी एक वर्ष के पश्चात मृत्यु हो जाएगी। अब मैंने ऐसी तो कोई भी बात नहीं कही जिसमें इतनी हंसी आए। तो क्या रोने वाली बात कही थी तुमने? निसंदेह तुमने हंसने जैसी बात कह डाली है। अरे तुम कहते हो कि उसके पिता के अतिरिक्त उसे देखने वाला केवल एक वर्ष तक ही जीवित रहेगा, किंतु तुमने तो यह चित्र उसे देखकर ही बनाया होगा ना? तो बताओ मित्र,
कि तुमने उसे कब और कहां देखा, और ऋषि की भविष्यवाणी का प्रभाव तुम पर क्यों नहीं हुआ? ये एक ऐसा रहस्य है जो मैं किसी को भी बता नहीं सकता। मित्र, इतना तो बता सकते हो कि राजकुमारी के पिता और तुम्हारे अतिरिक्त और किस किसने देखा है उसे? किसी ने भी नहीं। ऋषि की भविष्यवाणी और देखने के दुष्परिणाम को ध्यान में रखकर महाराज पद्मनाभ ने पद्मजा को आजीवन अविवाहित रखने का निश्चय करके रत्न महल के एक ऐसे कक्ष में रखा है जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती। पर तुम तो पहुंचे हुए हो वहां तक। मैंने कहा ना, वो एक रहस्य है। मित्र, तुम्हारे रहस्य को तुम जानो, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मेरे परम मित्र होने के नाते पद्मजा को दिखाने का उपाय तुम्हें ही करना होगा, अन्यथा उसके वियोग में तड़प तड़प कर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये जानते हुए भी कि राजकुमारी पद्मजा को देखने वाला पुरुष एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकता। मित्र, ऐसे दिव्य सौंदर्य के दर्शन करने के पश्चात एक वर्ष से अधिक जीवित रहने का लाभ भी क्या है? मैं तुम्हारा मित्र हूं राजकुमार, तुम्हारा शत्रु नहीं। मैंने कब तुम्हें शत्रु कहा है? तुम्हें पद्मजा के दर्शन कराकर तुम्हारे जीवन को असुरक्षित कर देना क्या मित्रता होगी? निसंदेह इसे शत्रुता ही कहा जाएगा। कौन कहेगा ऐसा? मैं तो नहीं कहूंगा। जगत कहता है तो कहने दो, मैं तो इसे सच्ची मित्रता ही कहूंगा। फिर भी मेरा मन नहीं मानता। मित्र, इस समय अपने मन को नहीं मेरे मन को मनाओ, मेरी आतुरता से पूर्ण पुकार सुनो, तत्पश्चात संपूर्ण जगत के व्यंग भी सुनो। जगत में अपने मित्र के लिए मित्र प्राण तक बलिदान कर देते हैं, फिर मेरी इच्छा पूर्ति के लिए तुम व्यंग तक नहीं सुन सकते? फिर कहना पड़ता है कैसे मित्र हो तुम? बार बार मेरी मित्रता को क्यों ललकारते हो? ठीक है, मैं तुम्हारा हठ मान लेता हूं, किंतु वो एक वर्ष वाली बात ध्यान में रखना। अरे, उसे न देखकर भी जीवित कहां रह सकूंगा, इसलिए तुम उसकी तनिक भी चिंता ना करो। अब तुमने निश्चय कर ही लिया है तो आओ मेरे साथ। नहीं पुत्र, नहीं। सब कुछ जानते समझते हुए मैं तुम्हें मृत्यु के मुख में नहीं जाने दूंगी। मैंने वर्षों के जप तप और उपासना के पश्चात भगवान शिव की कृपा से तुम्हें प्राप्त किया। मैं तुम्हें पद्मजा के पास कदापि नहीं जाने दूंगी। और सुश्वे, तुम इसकी बातों में आकर इसे कहां लिए जा रहे हो? तुम मित्र हो और मित्रता का व्यवहार ही करो। चिंता ना करो मां, मैं भी तो शिव भक्त हूं। यदि मैं पद्मजा से मिलूंगा तो मैं उसे कहूंगा कि भगवान शिव की आराधना करके अपने जीवन पर लगा ये कलंक धो डालेगा। परंतु मां, यदि इस समय तुमने मुझे उसके पास जाने से रोका तो मैं उसके वियोग में तड़पता रहूंगा और मेरे प्राण अवश्य ही संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे जाने की आज्ञा देने में ही मेरा हित है मां। अब क्या होगा भोलेनाथ? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
नमः शिवाय। स्वामी। ओम नमः शिवाय। महाराज। क्या हुआ है महारानी केतुमती, इतनी व्यग्र क्यों हो? व्यग्र होने का कारण है महाराज, यदि माता का एकमात्र पुत्र जीवन से विमुख हो मृत्यु की दिशा की ओर अपना पग धर दे तो माता के लिए व्यग्रता का कारण बनता है महाराज। तुम क्या राजकुमार विष्णुध्वज के विषय में कुछ कह रही हो? स्वामी, क्या हुआ उसे, क्या किया उसने? अब तक तो कुछ नहीं हुआ स्वामी, किंतु अब वह जो करने जा रहा है उससे अनर्थ हो जाएगा, महाअनर्थ हो जाएगा स्वामी। महारानी, तुम रोती रहोगी और अस्पष्ट बात करती रहोगी तो हम कैसे जान पाएंगे कि राजकुमार विष्णुध्वज को क्या हुआ है? जो कहना है स्पष्ट कहो। महाराज, पद्मदेश की राजकुमारी पद्मजा का चित्र देखकर हमारा विष्णुध्वज उस पर मोहित हो गया और वो उसे देखने सुश्वेत के साथ वहां जा रहा है। तो इसमें अनर्थ जैसी क्या बात है? मोहित होने की स्थिति तो युवावस्था में स्वाभाविक ही है। नहीं महाराज, नहीं, राजकुमारी पद्मजा अभिशापित है, जो पुरुष उसे देख लेगा वो एक वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा और हमारा विष्णुध्वज उसे देखने गया है। ये तो चिंता का विषय है महारानी, किंतु इस सत्य को भी समझ लो कि भगवान शिव की इच्छा के बिना इस जगत में कुछ भी घटित नहीं होता, हमारे चाहने अथवा न चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो भोलेनाथ चाहेंगे और वे कभी अशुभ कुछ नहीं चाहते। हमारा विष्णुध्वज उन्हीं की कृपा की देन है, इसलिए विश्वास रखो वे हमारे पुत्र की रक्षा अवश्य करेंगे, तुम्हें व्यर्थ ही चिंता नहीं करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 आप ही का आश्रय है प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एकमात्र आप ही का आश्रय है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, विष्णुज आप ही की कृपा का फल है प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कृपा करना, ओम नमः शिवाय, मेरे विष्णुज की रक्षा करना प्रभु, मेरे विष्णुज की रक्षा करना, मेरे विष्णुज की रक्षा करना। मित्र सुश्वेत, सरोवर पास में है, तन सूख रहा है, जल पीकर तनिक विश्राम करते हैं। अति उत्तम विचार है विष्णुज, सरोवर के शीतल जल से स्फूर्ति भी आएगी, आओ चलो। शिवशंकर, भगवान भोलेनाथ अपने इस भक्त की कामना पूर्ण करो, राजकुमारी पद्मजा को अभिशाप से मुक्त करो भगवान, मुक्त करो। हे महेश्वर, कृपा करो, मेरे मित्र राजकुमार विष्णुध्वज की मनोकामना पूर्ण करो प्रभु, पूर्ण करो। राजकुमार वृषध्वज ने
राजकुमारी के हित में प्रार्थना की और उसके मित्र सुश्वेत राजकुमार के लिए मंगल कामना की। इस प्रकार दोनों तथा माता पार्वती को प्रणाम। कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश की जय। हम दोनों आप दोनों को शैल पर्वत और गणेश लोक ले जाने आए हैं। कुमार कार्तिकेय, भगवान भोलेनाथ हमें इस समय दो नए शिव भक्तों की कथा सुना रहे हैं। कथा अभी अपूर्ण है, जब कथा पूर्ण हो जाए तब आप अवश्य ही इन दोनों को ले जाएं। कृपा कर हमारी ये प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। प्रभु, क्या आप हमारे आग्रह पूर्ण आमंत्रण से अधिक शिवगण की कथा को महत्व देंगे? कथा तो आप लौटने पर भी सुना सकते हैं। तुम अपनी माता को ले जाओ, हम नारद और शिवगण को कथा सुनाकर स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। भला मैं कथा क्यों न सुनूं और अकेली क्यों जाऊं? जाएंगे तो हम दोनों ही साथ जाएंगे। हम शीघ्र ही तुम्हारे पास आएंगे पुत्रों, निश्चिंत रहो। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। जल पीने के पश्चात दोनों मित्र पदम देश के राज उद्यान में पहुंचे और तब महाराज पद्मनाम के महल का उद्यान सामने है। वृषध्वज, चलो वहां चलो। चलो सावधान वृषध्वज, यदि पकड़े गए तो सीधे कारावास। आओ। आओ। राजकुमारी पद्मजा इसी रत्न महल के नीलम कक्ष में निवास करती है। कड़ा से कड़ा पैरा रहता है वहां पर, कोई भी पुरुष वहां प्रवेश नहीं कर सकता। सच सुश्रुत, यह तो बहुत कड़ा पैरा है, बाहर का कोई भी व्यक्ति यहां प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिर हम भीतर कैसे जाएंगे? जिस प्रकार से मैं राजकुमारी पद्मजा की एक झलक पाने के लिए नीलम कक्ष में गया था, उसी प्रकार से तुम भी जाओगे। ठहरो। नमः।